गर्म पड़ी है। हाँ, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। क्या है बताओ? ये थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहा है, प्रोड्यूस करके यूज कर रहा है। उसमें क्यूब पड़ा हुआ, आइस क्यूब? हाँ, आइस क्यूब है इसके अंदर। आइस क्यूब के नीचे हमने बॉइल करने के लिए हमने कैंडल्स लगाई हैं। हम छोटे छोटे मिनी सिलेंडर्स आते हैं, उन्हें भी लगा सकते हैं। हम कोई भी ठंडी चीज़, कोई भी ठंडा लिक्विड होता है, जैसे ये क्या करता है, जो बॉइलिंग हीट होती है उसके लिए हमारे बीच में हीट सिंक क्या करता है, वो स्विचेस के अंदर बेसिक है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है तो इसका फैन चल रहा है, इसके अंदर ही चल रहा है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आजकल का जैसे पॉल्यूशन का टाइम है, तो पॉल्यूशन के अंदर जो हीट एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है। उस हीट एनर्जी को अंदर, उस हीट एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वन तक आते आते ये थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का प्रोजेक्ट $720 million का हो जाएगा। वापस से बॉडी में दोबारा फ्लो करवाते हैं हम इससे। इस मशीन को बनाने के लिए 2000 रुपये की पूरी कॉस्ट है, और ये मशीन गंदे खून को साफ करके अच्छा खून वापस से बॉडी में ट्रांसप्लांट करता है। इसको डायलिसिस बोलते हैं, और इस मशीन का नाम हीमो डायलिसिस मशीन है। अस्पतालों में डायलिसिस कराने में बड़ा महंगा खर्चा आता है, क्या लगता है कि आपके प्रोजेक्ट को तैयार करने से हीमो डायलिसिस का कम खर्चा आएगा, और भारत सरकार अगर इसको प्रोत्साहन देती है तो मरीजों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा? हाँ बिल्कुल, अगर इस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं तो कम खर्चा होगा, और भारत सरकार इस मशीन को हर एक छोटे हॉस्पिटल में इम्प्लांट कर सकती है, जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके। लगभग आपका 5000 से 6000 तक का हो सकता है बस। हाँ, कुछ ज़्यादा आपको इसमें करना भी नहीं है, ये सब कुछ सोल्यूशन आपके पहले से प्रिपेयर्ड होते आते हैं। हाँ ज़रूर कर। मेरा नाम आशीष गौतम है, प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल इनोवेशन फाउंडेशन का। बच्चों ने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, क्या क्या प्रदर्शनी बच्चों ने प्रेजेंटेशन की है, क्या? ये हमने 150 स्कूल्स और कॉलेजों को इनवाइट किया था, जिसमें से हमने 40 चयनित मॉडल्स सेलेक्ट किए हैं, जो कि आगरा मंडल के बेस्ट मॉडल हैं, जो कि आगे आपको और उभरते हुए दिखेंगे। कितने स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट क्या क्या बनाया है? इसमें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर था, जिसमें कि कैंडल से फैन और लाइट जो भी इलेक्ट्रिक और कंपोनेंट्स हैं वो आप जला सकते हो। प्लस इसके अंदर आपका एक स्पाइडर रोबोट था, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, जो कि आगरा क्या यूपी में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने इसके ऊपर काम किया होगा, लेकिन हमने उसको खोज के निकाला और यहाँ पे उसकी प्रतिभा को दिखाया। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि विदेशी टेक्नोलॉजी इंडिया पे बहुत हावी है, लेकिन बच्चे अगर यहाँ के इस तरह से प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, गवर्नमेंट अगर इन्हें प्रोत्साहित करे तो कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट अगर इनको प्रोत्साहित करे तो ज़रूर इनको फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन गवर्नमेंट की योजनाएं इन तक पहुंच नहीं पा रही, जिससे हम ग्लोबल इनोवेशन फाउंडेशन की टीम ने ये कदम उठाया और अपने खर्चे के बूते पे इन सब के लिए ये अरेंजमेंट किया और विज्ञान के प्रतिभाओं को निकाल कर लाए। लेकिन आप इनकी आवाज़ को, आप इनकी प्रेजेंटेशन को आप ऊपर तक पहुँचाएंगे? जी बिल्कुल, हमने ये शुरुआत ही इसीलिए की है कि हम इनके प्रोजेक्ट्स को ऊपर लेके जाएँ, और हमारा मेन पर्पस है आगरा के अंदर साइंस सिटी बनाना।